हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल महेश कोचिंग बाय महेश टीकाकरण। महेश कोचिंग बाय महेश टीकाकरण सर चैनल पे आप सभी का स्वागत है। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे आगे को प्रेस करके घंटी बजा ताकि मेरा वीडियो अपलोड होने के बाद आपके मोबाइल की भी घंटी बज जाए। दोस्तों आज अपन पढ़ने वाले हैव हैज हैड, इसका मतलब है पास होना। पास होना हैव हैज हैड ये ऑक्सिलरी वर्ब भी है। लेकिन यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब की ड्यूटी नहीं कर रहे, ये यहाँ पे मेन वर्ब की ड्यूटी कर रहे हैं। यहाँ पे ये मेन वर्ब की ड्यूटी कर रहे है तो ऑक्सिलरी, लेकिन यहाँ पे ये मेन वर्ब की ड्यूटी कर रहे हैं। इसका अर्थ होता है पास होना, इसका अर्थ होता है पास होना। मेन वर्ब का काम कर रही है पास होना। फॉर एग्जाम्पल देखा जाए, आई हैव ए पेन, मेरे पास पेन है। आई हैव ए पेन, मेरे पास पेन है। कोई भी चीज पास होना बताने के लिए, कोई भी चीज मेरे पास है या कोई भी व्यक्ति हो, कुछ भी हो मेरे पास है बताने के लिए हैव हैज हैड का यूज किया जाता है। हैव हैज प्रेजेंट टेंस में यूज होता है और हैड पास्ट टेंस में यूज होता है। आई हैव ए पेन, मेरे पास पेन है। ये पॉजिटिव सेंटेंसेस हुआ कि मेरे पास पेन है। आई हैव ए पेन, ही हैज ए पेन, शी हैज ए पेन, वी हैव ए पेन, ऐसा ये पॉजिटिव सेंटेंस हुआ। इसका नेगेटिव किया जाए तो आई हैव नो पेन, मेरे पास पेन नहीं है। आई हैव नो पेन, आई हैव नो पेन, मेरे पास पेन नहीं है। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। नेगेटिव से ये नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस के लिए सिर्फ और सिर्फ नॉट नो लगाया गया, सिर्फ और सिर्फ नो लगाया गया। नॉट लगाया जाता है तो ऑक्सिलरी वर्ब आता है। नॉट लगाया जाता है तो ऑक्सिलरी वर्ब आता है। और ये यहाँ भी ये हैव ऑक्सिलरी वर्ब है, लेकिन यहाँ पे ये ऑक्सिलरी वर्ब की ड्यूटी नहीं कर रहा, इसलिए यहाँ पे हैव के बाद नो ही आएगा, नॉट नहीं आएगा। नॉट लगाना है तो हेल्पिंग वर्ब आएगा, ऑक्सिलरी वर्ब आएगा। जैसे कि देखो, आई डू नॉट मतलब डोंट, आई डोंट हैव ए पेन, मेरे पास पेन नहीं है। आई हैव नो पेन, आई डोंट हैव, I don't have a pen. I have no pen. I don't have a pen. ये दोनों का अर्थ सेम ही है, सिर्फ और सिर्फ बोलने का तरीका अलग अलग है, लिखने का तरीका अलग अलग है। यहाँ पे क्या हुआ? Do not मतलब don't मतलब do not, don't मतलब do not, मतलब यहाँ पे not का यूज किया तो auxiliary verb आया do। यहाँ पे no का यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब है, इसलिए यहाँ पे नॉट का यूज नहीं कर सकते। और नॉट अकेला कभी नहीं आता, नॉट लगाना है तो हेल्पिंग वर्ब आता है। आई डोंट हैव ए पेन, मेरे पास पेन नहीं है। ही हैज, अरे आई यू वी दे के साथ हैज हैव लगता है, पर हैड तो सबके साथ लगता है। आई यू वी दे के साथ हैड लगता है। ही शी इट प्लस नेम के साथ हैज लगता है। जैसे कि ही हैज या शी हैज दोनों बोल सकते हैं। ही हैज ए बाइक, उसके पास गाड़ी है। ही हैज ए बाइक, उसके पास गाड़ी है। ही हैज नो बाइक, उसके पास गाड़ी नहीं है। शी डोंट हैव ए बाइक, उसके पास बाइक नहीं है। शी डोंट हैव ए बाइक। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे हैज लगाया गया, यहाँ पे हैज लगाया गया, यहाँ पे हैव क्यों लगाया गया? जैसे कि यहाँ पे हैव था, यहाँ पे हैव था, तो यहाँ पे भी हैव था, लेकिन यहाँ पे डोंट के बाद हैव क्यों लगाया? जैसे कि डोंट के बाद यहाँ भी लगाया यहाँ पे, वैसे ही डोंट के बाद हैज क्यों नहीं लगाया? उसका कारण ये है कि डू डस डिड के बाद डू जब डू डू डस डिड के बाद वर्ब वन का यूज किया जाता है। डू डस डिड के बाद वर्ब वन का यूज किया जाता है, इसीलिए यहाँ पे डू लगा, इसीलिए यहाँ पे डू लगा, इसलिए डू लगा तो मैंने वर्ब वन लिखा। इसलिए यहाँ पे भी हैज है, यहाँ पे भी हैज है, लेकिन यहाँ पे मैंने हैव लिखा क्योंकि डू के बाद वर्ब वन का यूज होता है। ये वर्ब वन है, वर्ब फाइव है, ये वर्ब टू है। एक्चुअली वर्ब थर्ड में पास्ट परफेक्ट टेंस में लगाया जाता है, लेकिन ये मेन वर्ब का काम करे, इसलिए उस सेंस से, उस अर्थ से ये काम कर रहे हैं। यहाँ पे मेन वर्ब के हिसाब से काम कर रहे हैं। आई हैड हर बुक, मेरे पास उसका बुक था। आई हैड नो हर बुक, मेरे पास उसका बुक नहीं था। आई डिडंट हैव हर बुक, मेरे पास उसका बुक नहीं था। देखो यहाँ पे डिड लगा, इसलिए मैंने वर्ब वन का यूज किया, हैव लगाया। डिड के बाद वर्ब वन का यूज किया जाता है।
यहाँ पे भी डी डू था तो वर्ब वन का यूज किया, यहाँ पे डी है तो वर्ब वन का यूज किया। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हैड लगाया तो हैड लगाया तो यहाँ पे भी हैड लगाया जाए, ऐसा नहीं होता। जैसे कि यहाँ पे हैव लगाया हैव लगाया, लेकिन यहाँ पे भी हैव लगाया क्योंकि ये लगता है इसलिए लग गया, लेकिन इसी तरह से ये नहीं लगती हैज हैव बिकॉज ऑफ डोंट डू लगा डू के बाद हैव का यूज किया जाता है, डी के बाद वन का यूज किया जाता है, डू के बाद वर्ब वन का यूज किया जाता है, डिड के बाद वर्ब वन का यूज किया जाता है, डज के बाद वर्ब वन का यूज किया जाता है, डज के बाद वर्ब वन का यूज किया जाता है। जैसे कि मेरा गलत हो गया, सॉरी ही डजंट हैव चाहिए था, सॉरी हो जाता है गलती, गलती इंसान से ही होती है, गलती इंसान से ही होती है। ही डजंट हैव, ए भाई डोंट नहीं लगता है, डजंट लगता था वहाँ पे, आई के साथ डू लगता है उसके बाद भी वर्ब वन, ही शी इट के साथ डज लगता है उसके बाद भी वर्ब वन का यूज, डिड के बाद भी वर्ब वन का यूज किया जाता है। ही डजंट हैव ए बाइक उसके बाद बाइक नहीं थी, नहीं है। I had a her book, मेरे पास उसका बुक था। I had no her book, मेरे पास उसका बुक नहीं था। I didn't have her book, मेरे पास उसका बुक नहीं था। Do, does, did के बाद verb one का यूज किया जाता है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करके घंटी बजाओ ताकि मेरा वीडियो अपलोड होने के बाद आपके मोबाइल की घंटी बज जाए। और मेरा और एक चैनल है यस बामा शिखर का सर, उसमें मैं मराठी में पढ़ाता हूँ, उस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। नमस्कार।